अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नवाज न्यूज से गडाव आया संजा सैयद हल्दा से हेडलाइंस तरफ। वज़ीर-ए-आज़म के बयान से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदारत हेट इजलास, इलेक्शन कमिश्नर पारा वज़ीर-ए-आज़म के बयान से दुख जो इजहार। इलेक्शन कमिशन का चवण है तो वज़ीर-ए-आज़म ए वफाकी वज़ीर के बयान से दुख हो तो फैसलों से कें एतराज़ है तो आईनी रस्तों इख्तियार कर वे कें खुशी खातिर आईनी कानून के नजरअंदाज न तो कर सकते। हर सियासी जमायत ए शख्स में शिकस्त मनण जो जज्बो होजड़ घुर्जे। कौमी असेंबली जो इंतहाई अहम इजलास सुबाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आइन के आर्टिकल 51 की शिक सत तहत ऐवान का एतमाद जो वोट वो एतमाद जो वोट हासिल करदर की मंजूर मंजूरी से वज़ीर-ए-आज़म परदो बरकरार रखी सो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौमी असेंबली में एतमाद जो वोट वाय रता तेज कर छाया। पीटीआई के पार्लियामानी पार्टी जो इजलास तलब, इतिहाद जमायत के एमएनएस के भी इजलास में शिरकत की दावत। नए चुनल सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी से जमायत इस्लामी के अमीर सिराजुल हक जो फोन से राबतो। सिराजुल हक पारा यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेटर चूंडण से बाधाएं। जमायत इस्लामी के अमीर पारा सेनेट चेयरमैन की चूंड में यूसुफ रज़ा गिलानी के हिमायत की खातरी कराई छी। सेनेट चूंडण में जीडीए साहब ऐसा खाती कदर पीटीआई मेंबरन जहा नाला सामू अची वाया। सिंध असेंबली के इजलास दौरान एमपीए रजाक राहिम दावा किया है पीटीआई पारा करीम बख्श कबूल, राबिस्तान खान, उमर अमारी, सचानंद, बिलाल गफार समेत सतन जणन जहा नाला दिना वाया हुआ तो उहे सदरुद्दीन शाह राश्ती के वोट दींदा पर उन्हें मेंबरन सदरुद्दीन शाह राश्ती के वोट न दिनों। सेनेट चूंडन का अग एक ढी अग जो कुछ भी थो वो दुरुस्त न हो, ऐवान जो तकदस बहाल कर वो जैसे विहण जो शौक है बाहर वही विड़े। ऐवान में इन लगी रहे हो जन का शूटिंग हली रही हुए के सिक्योरिटी अहलकार के धमकियों गारू दियो था जैसे हाने कुछ थो तो उनते कदम खो वो। सिंध असेंबली के इजलास दौरान स्पीकर आकाश राज दुरानी की रोली। वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्शन कमीशन खिलाफ न गल घुर्जे हा। वज़ीर-ए-आज़म जो इलेक्शन कमीशन बाबत बयान तोहीन के जिमरे में अचे थो। वज़ीर-ए-आज़म के कें गलत मालूम फराम किया है। सिंध हुकूमत के तर्जमान मुर्तज़ा वहाब जो कराची में मीडिया से गाल। एनए 75 डस्का की नंढी चूंड कलदम करार देने बाबत इलेक्शन कमीशन के फैसलो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर वो। पीटीआई उम्मीदवार अली अजद मधेरी इलेक्शन कमीशन के फैसले खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल कर छी। इलेक्शन कमीशन में यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी जो नोटिफिकेशन रोकने लाए दरख्वास्त। धांधली इल्जाम में मरियम नवाज और अली गिलानी खिलाफ कार्रवाई की इस्तदार। दरख्वास्त में मौके पर इख्तियार कर वो है तो अदालत के हुक्म बावजूद जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल न कई वही। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से अमल न कर तो इन अदालत है यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी जो नोटिफिकेशन जारी न कर वे। सीएम हाउस कराची में पुलिस ऑफिसर के रैंक लगाने वाली तकरीब। वरे वजीर सैयद मुराद अली शाह तरक्की मानींदर ऑफिसर के रैंक लगाया। वरे वजीर तरक्की मानींदर पुलिस ऑफिसर के वाधायू नींद है तो सिंध में पुलिस निज़ाम बेहतर है उनमें मेहनत से कम करो पवो अस पुलिस के बेहतर सहूलत दिन मजबूत कदासी। सिंध हाई कोर्ट पीटीएम के अगवान अली वजीर ए मोमन शेख की जमानत ए केस खारिज करने बाबत दरख्वास्त से फैसलो महफूज कर वरतो। जेके बाद में मासूम बाड़ी सा मुबैना जिनसी डाढ़ाई जो इंकशाफ हुआ है। मुतासर नेंगरी के वाल की फरियाद से जवाबदार अब्बास शाह खिलाफ केस दाखिल। डॉक्टर पारा नेंगरी सा डाढ़ाई की तस्दीक।
नूरियाबाद वजो कराची का सखर वींदड़ बिन गाड़ी में टक्कर, हादसे में बजना फौत, केतरा ही जख्मी। फौतन की सुणप मोहम्मद यूसुफ जैदी और शाहरुख तौर थी। सांगड़ भरसा पाइपलाइन में तेल चोरी करण दौरान बाह लगन सबब कड़ी जख्मी थियल नेक मोहम्मद चांडियो जख्मन का सूर न संदे कराची के अस्पताल में फौत थी वो बाह वाले वाकये में फौतन जो अंग बद थी वो। बहार की आमद से मीरपुर खास में जिले इंतजामिया पारा टिन डीन वाली गुलन की नुमाइश लगाई वही। सुबाने ताई जारी रहंदर नुमाइश में 200 का वधी किस्म के रंग बिरंगी गुलन जा स्टॉल सजाया वाया। नुमाइश में बारन की लाइ झूलन समेत मुख्तलिफ खाधे पीते की शयन जा स्टॉल पिण लगाया वाया।